हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाल अगेन आप सबका हमारी नई वीडियो में भारत केमिस्ट्री क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सभी बहुत बढ़िया हो एंड बहुत अच्छे चल रहे आप सभी की लाइफ और पढ़ाई। तो भाई आज हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। बहुत सारी केमिकल प्रॉपर्टीज है, उनमें से आज हम देखेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे आप बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे आप जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे आप नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा। बहुत अच्छे से देखेंगे कैसे क्या होती है, विद मैकेनिज्म समझेंगे। तो देखिए, नाम से क्लियर हो रहा है कि हमने एल्डिहाइड या कीटोन्स के अंदर क्या जोड़ना है, न्यूक्लियोफाइल जोड़ना है। न्यूक्लियोफाइल को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, जनरली इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है न्यूक्लियोफाइल को, NU और उनके ऊपर नेगेटिव। न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं, जो न्यूक्लियस से लव करते हैं, यानी कि जो पॉजिटिव से लव करते हैं, और इन पर खुद पे कौन सा चार्ज होता है, जनरली नेगेटिव होता है, बाकी न्यूट्रल भी हो सकते हैं। जनरली हम नेगेटिव चार्ज दिखाते हैं क्योंकि नेगेटिव ही पॉजिटिव से लव करता है। ये होते क्या है, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती है, और ये प्यार किससे करती है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज से प्यार करती हैं। अब देखिए, आपके पास कोई कार्बोनिल कंपाउंड है, एल्डिहाइड है या फिर कीटोन है, जिसको हम कुछ ऐसे बना सकते हैं। अगर आप बुरा ना मानो तो बुरा क्यों मानोगे भाई, अच्छा ही मानोगे, है ना। चल देखिए, ये है, ये सी डबल बॉन्ड हो कार्बोनिल। कार्बोनिल की बहुत बड़ी फैमिली है, बट अभी हम लोग बात कर रहे हैं सिर्फ किसकी, एल्डिहाइड की या फिर कीटोन की। ऐसे दिखाया, कार्बोनिल किसे कहते हैं, जिसमें कार्बन का ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड हो, कार्बन का ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड हो तो कार्बोनिल कहते हैं। ये जो बॉन्ड बचे हैं, इन पे कुछ भी हो सकता है। इन केस यहाँ पे एक बॉन्ड पे हाइड्रोजन है, एक बॉन्ड पे आर है, तो ये कहलाएगा एल्डिहाइड, और अगर यहाँ पे दोनों बॉन्ड पे ही आर हो गया तो ये कहलाएगा कीटोन। तो अभी मैं नहीं लगा रहा हूं, अभी आप समझ के चलो है। तो हमने यहाँ पे इसके साथ क्या जोड़ दिया, हमने इसके साथ जोड़ दिया न्यूक्लियोफाइल, क्या जोड़ दिया, न्यूक्लियोफाइल जोड़ दिया। अब फोकस कीजिए, कार्बन और ऑक्सीजन में से ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और ये एज कंपेयर टू ऑक्सीजन इलेक्ट्रो पॉजिटिव है। तो जो न्यूक्लियोफाइल होते हैं वो कहां अटैक करते हैं, जो खुद इलेक्ट्रॉन रिच है तो प्यार किससे करेगा, अरे लड़का किससे प्यार करता है भाई, ऑब्वियस लड़की से करता है, बाकी कलयुग है वो कुछ भी सकता है, बट इतना भी कलयुग अभी नहीं आया। तो न्यूक्लियोफाइल ये किससे प्यार करने वाला है, ये प्यार करने वाला है इस पॉजिटिव से, ये इधर आएगा और ये इधर जाएगी, तो कुछ इस तरह से रिएक्शन होगी। फोकस कीजिए, ये कार्बन और ये है आपके पास ये ऑक्सीजन पे नेगेटिव, और यहां पे जुड़ गया, ये ऊपर की तरफ आप जोड़ दो न्यूक्लियोफाइल, जोड़ दिया। फिर हम क्या करेंगे, फिर इसकी प्रोटोनेशन। तो देखिए अभी क्या होगा, ये प्रोटॉन इससे के पास जाएगा, देखो ना ये नेगेटिव इस पॉजिटिव से जुड़ा प्योर इस बॉन्ड को इसने अपनी तरफ खींच लिया, इस पे नेगेटिव आ गया, ये पॉजिटिव यहां पे जुड़ गया, ये कुछ इस तरह से जुड़ गया, यहां पे ये OH बन गया, ये इस तरह से पुराने वाले बॉन्ड है, और ये क्या है, यहां पे न्यूक्लियोफाइल आपका जुड़ा हुआ है। ये स्टेप जो होता है ना, पहले वाला स्टेप, ये स्लो स्टेप होता है, और ये स्टेप जो होता है ना, ये फास्ट स्टेप होता है। कैसे पता लगा स्लो, देखो एक न्यूट्रल स्पीसीज से आप आयनिक बना रहे हो, न्यूट्रल मतलब एक स्टेबल है, और आयनिक कभी भी स्टेबल नहीं होती, स्टेबल से अनस्टेबल बना रहे हो तो वो स्लो ही होगा, फिर आप आयनिक से न्यूट्रल बना रहे हो, ये फास्ट स्टेप होगा। क्लियर है बात, नहीं क्लियर है, अच्छा दोबारा देखते हैं। जो कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं ना, वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन की ट्रायगोनल प्लेनर होती है, ट्रायगोनल प्लेनर उनकी ज्योमेट्री होती है। ट्रायगोनल प्लेनर का मतलब क्या है, ऐसे ही बना दो इसको, मतलब एक ही प्लेन में होते हैं ये तीनों के तीनों बॉन्ड, कुछ ऐसे होते हैं, समझ पा रहे हो, ये एक ही प्लेन में है, किसी प्लेन में मान लो, इस प्लेन में मान लो, इस प्लेन में मान लो, किसी में मान लो, ये तीनों एक ही में होते हैं। तो अभी यहां पे न्यूक्लियोफाइल आता है, ऊपर से अटैक करवाओ, इसे बोलते हैं अटैक फ्रॉम अबव। जब हम इसमें ऊपर से अटैक करवाते हैं, यहां से इस पे कार्बन पे अटैक करेगा वो, कुछ ये हल्का सा पॉजिटिव होता है, ये हल्का सा नेगेटिव होता है,
ये स्टेप रिवर्सिबल एंड स्लो, रिवर्सिबल और स्लो स्टेप होता है ये। तो जैसे ही इसके साथ जुड़ता है ना तो क्या हो जाता है, देखिए कुछ ऐसे होगा, फोकस करना मेरी बात पे, कार्बन और ये ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ये देखिए ये बॉन्ड इस साइड आ जाएगा तो इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा और यहां पे क्या आ गया, न्यूक्लियोफाइल आ गया। तो फोकस करना मेरी बात पे, हुआ क्या, देखिए ये पहले ऐसे था और जैसे ही ऊपर से एक नया अटैकिंग रिएजेंट आया वो उसके साथ जुड़ा तो क्या होने लगा, फोकस कीजिए, वो ऐसे आकर जुड़ेगा और ये बॉन्ड एकदम से नीचे दब जाएंगे, कुछ ऐसे नीचे दब गए, दब गए, पहले ये ऐसे थे जुड़े हुए थे ऐसे, संस्पालन हुई बात है, और जैसे ही न्यूक्लियोफाइल आके जुड़ा रिपल्शन हुई इनके बीच में, थोड़ा थोड़ा नीचे की तरफ हो गए ये बेंड, और ऐसे करके ये ज्योमेट्री क्या कहलाती है, इसे बोलते हैं ट्रायगनल, सॉरी टेट्राहेड्रल। तो यहां पे ये क्या है, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट है। आई होप कि सभी कुछ सही से दिखाई दे रहा है, हमारे वीडियोग्राफर से आपका ध्यान है यहां पे, ठीक है। तो ये टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट है, अभी इसके बाद क्या करोगे, एच पॉजिटिव की एंट्री होगी और ये स्टेप जो होता है ये फास्ट होता है। तो क्या होता है, ये एच पॉजिटिव इस नेगेटिव के साथ जुड़ेगा कुछ ऐसे, अच्छे समझते हो ना, ये मैंने इसको डैश वेल स्ट्रक्चर बोलते हैं, ये डॉटेड होती है पीछे की तरफ, ये सॉलिड वेल होती है आगे की तरफ, यहां पे OH और यहां पे है न्यूक्लियोफाइल। इस तरह से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करते हैं कौन, कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप से मेरा मतलब है एल्डिहाइड या फिर कीटोन। ये है नॉन एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन, इन रिएक्शन को समझ में आ गया होगा। अब जनरली कई बार क्या देखते हो कि उन रिएक्शन में ना, मतलब जब आप इनकी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन देखते हो, लाइक मेरी बात पे फोकस करो, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ये है ये आपका कार्बोनिल ग्रुप है, अभी मैं आपको बता रहा हूं, ये दोनों थी, ये दोनों रिएक्शन थी नॉन एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शंस का मैकेनिज्म था। अब कई बार देखते हो कि जो कार्बोनिल ग्रुप है, एल्डिहाइड या कीटोन है, वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, उन्हें कहा जाता है एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन। क्या बोलते हैं उन्हें, एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन। क्या होता है, एसिड एच पॉजिटिव को रिलीज करेगा तो इसको इलेक्ट्रॉन देगा कुछ इस तरह से, सी ये ओ के साथ जुड़ गया एच, अब ऑक्सीजन ने लोन पेयर दे दिए, अब देने के बाद उसको पछताना होता है, इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, कौन सा चार्ज आ गया पॉजिटिव, अब इस पॉजिटिव को खत्म करेगा, ये अपने इस बॉन्ड को इधर खींचेगा, ठीक है ऐसे ये इसको खींचेगा, तो होगा क्या, अब ये पॉजिटिव आ जाएगा किसके पास, कार्बन के पास, ये OH हुआ, कार्बन पे आ गया पॉजिटिव। जो आपने प्रोटोन ऐड किया है, जो आपने एसिड ऐड किया है, उसका काम अभी हो चुका है। क्या काम करना था, कार्बन पे अगर पॉजिटिव आ जाए तो न्यूक्लियोफाइल के लिए अटैक करना बहुत आसान है, वो बहुत आसानी से अटैक कर सकता है। तो यहां पे न्यूक्लियोफाइल आएगा, अब बताइए न्यूक्लियोफाइल कहां अटैक करेगा, ऑब्वियस है वो किसी पॉजिटिव साइड पे अटैक करेगा, तो यहां पे कर दिया अटैक, ये सी ये OH ऐसे, और यहां पे जोड़ दिया हमने न्यूक्लियोफाइल, समझ लो, और यही क्या है आपकी एसिड कैटालाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है फॉर एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। रिपीट कर रहा हूं, कार्बोनिल ग्रुप को हमने ऐसे दिखा दिया, ये एल्डिहाइड हो सकता है, ये कीटोन हो सकता है, जब एसिड है तो जो एच पॉजिटिव रिलीज करते हैं, इसने अपने लोन पेयर दिए इसको, अभी ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो ऑक्सीजन पर पॉजिटिव आ जाएगा, ये OH पॉजिटिव हो गया, तो इस पॉजिटिव को ये खत्म करना चाहेगा अभी, तो पॉजिटिव को खत्म कैसे करेगा, पुराने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा। हाइड्रोजन को इतनी बार हम देख चुके हैं, इतनी बार कि हाइड्रोजन की हेल्प करने जाता है, इस पर पॉजिटिव आ जाता है और फिर ये कार्बन से अपने बॉन्ड को तोड़ता है, इसने कार्बन से ये बॉन्ड छीना जिससे कार्बन पर पॉजिटिव आ गया, अब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा किस पॉजिटिव साइड से, इस तरह से अगर आप देखो तो दोनों एक ही तरह है। अब ये मत कहना सर ये बॉन्ड आपने ऐसे दिखा रखे हैं, ऐसे वो जगह कम थी, दैट्स व्हाई मैंने वो वैसे दिखा दिए। अब इन दोनों रिएक्शन में क्या डिफरेंस दिखाई दे रहा है, वो है एसिड कैटालाइज्ड, इसमें एसिड पहले आ रहा है और इसमें बिल्कुल एंड में आ रही है, क्लियर है, तो यही हल्का सा डिफरेंस है। तो ये तो बात होगी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का मैकेनिज्म।
अब एग्जाम्स में क्वेश्चन बनता है कि एल्डिहाइड और कीटोन में से कौन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन अच्छी शो करता है, फिर क्वेश्चन आता है एल्डिहाइड बेंजल्डिहाइड में से कौन अच्छी शो करता है, फिर आता है बेंजल्डिहाइड कीटोन में से कौन अच्छी शो करता है। ये सारी तरह के क्वेश्चन बनते हैं, इन सभी तरह के क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं। एक बार आप इसे नोट कर लीजिए, स्पीडली नोट कीजिए। चलिए अभी बात करते हैं कि आउट ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स विच इज मोर रिएक्टिव टुवार्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। फोकस कीजिए, मैं आपको एक ऑर्डर देता हूं कि सबसे अच्छे से कौन रिएक्ट करता है। C डबल बॉन्ड O, मैं पूरे ऑर्डर देता हूं आपको, ऐसे है C डबल बॉन्ड O H H, फिर C डबल बॉन्ड O CH3 H, फिर C डबल बॉन्ड O CH3 CH3, फिर C डबल बॉन्ड O C2H5 C2H5, ठीक है। और अगर मैं यहां से ऑर्डर करता हूं तो सबसे फास्ट ये शो करता है, फिर ये शो करता है, फिर ये शो करता है एंड ये, और जैसे जैसे आप ये ग्रुप बड़ा करते जाओगे ना, रिएक्टिविटी कम होती जाएगी। सबसे जो फास्ट शो करता है ना न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन वो है फॉर्मल्डिहाइड, वो है मिथेनॉल, फिर है इथेनॉल एंड कीटोन्स की रिएक्टिविटी जो होती है वो बहुत ही कम होती है। अब क्वेश्चन आता है कि ऐसा क्यों, यहां पे दो इफेक्ट रोल प्ले करते हैं। फर्स्ट इज इंडक्टिव इफेक्ट एंड सेकंड इज स्टीरिक हिंड्रेंस। स्टीरिक हिंड्रेंस, अब पहले पॉइंट पे चलते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है। अच्छा, न्यूक्लियोफाइल कहां अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल विच कैरी नेगेटिव चार्ज, तो वो अटैक करेगा किसी ऐसी साइट पे जिस पे पॉजिटिव चार्ज है, जिस पे उसे दिख रहा है कि प्योर पॉजिटिव चार्ज है उस पे वो अटैक करेगा। समझ रहे हो बात को। अब देखिए यहां पे हम मानते हैं ये कार्बन है ये ऑक्सीजन है, फोकस करना मेरे बात पे, ध्यान से फोकस करना, मैं आपको एक एक चीज समझा रहा हूं। इस ऑक्सीजन पे आ गया नेगेटिव, इस पे आ गया पॉजिटिव, इस ऑक्सीजन पे आ गया नेगेटिव, इस पे आ गया पॉजिटिव। अब फोकस करो, नेगेटिव नहीं सही बनाया, ये नेगेटिव ऐसे, तो क्या है कि यहां पे अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है। अल्काइल ग्रुप यानी कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इस पॉजिटिव का मतलब है ये इलेक्ट्रॉन की कमी से जूझ रहा है और इसके साथ एक ऐसा ग्रुप जुड़ा हुआ जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, जो इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है। अब देखो एक न्यूक्लियोफाइल को दिखाई दिया मुझे अटैक करना है, मैं इस साइड पर अटैक करने चलता हूं, जा रहा है, कोई इसको देने वाला नहीं है, इस पर पॉजिटिव चार्ज बना रहेगा। अब आप यहां पर आओ, यहां पे जब वो न्यूक्लियोफाइल अटैक करने लगा तो एकदम से देखता है कि इसका प्रोसेस को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है तो इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो न्यूक्लियोफाइल को जरूरत ही नहीं पड़ी। अब यहां पे फोकस करो तो दो अल्काइल ग्रुप हैं, देखो ये इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं ना, तो कौन सा इफेक्ट आ रहा है यहां पर, प्लस आई इफेक्ट आ रहा है, ठीक है। दो अल्काइल ग्रुप आ रहे हैं जिसको देखो, इस पे आ गया पॉजिटिव, इस पे आ गया नेगेटिव, पॉजिटिव का मतलब इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है और इसके पास दो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है जो इसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। न्यूक्लियोफाइल तब अटैक करता है जब वो किसी को महसूस करे कि इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, बट इन भाई साहब को इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है उतनी जितनी इसको है, क्योंकि इसको कोई देने वाला नहीं है, बट इसके साथ दो ग्रुप जुड़े हुए हैं जो इसको इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, इवन दे रहे हैं, तो न्यूक्लियोफाइल थोड़ा सोच के अटैक करेगा। और यहां पर देखो और बड़े बड़े ग्रुप है, जितना अल्काइल ग्रुप बड़ा होगा उसकी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर उतनी ज्यादा होगी, तो जैसे इस पे पॉजिटिव आएगा ये इसको इलेक्ट्रॉन देंगे, इलेक्ट्रॉन पुश करेंगे इसकी तरफ, तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करने से पहले सोचेगा और जब सोचने लगेगा तो रिएक्शन स्लो ही होगी। तो याद रखिए जहां पे प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज होता है वहां पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन डिक्रीज हो जाती है। एक बात क्लियर हुई। दूसरी बात है स्टीरिक हिंड्रेंस। स्टीरिक हिंड्रेंस का क्या रोल है यहां पे, अब न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करना है, न्यूक्लियोफाइल आया तीर चला और यहां पे छोटे छोटे ग्रुप हैं और दूर से अटैक कर दिया, यहां पे आया, यहां पे थोड़ा सा बड़ा ग्रुप था फिर भी अटैक हो गया, यहां पे दो बड़े बड़े ग्रुप हैं, अटैक उतनी आसानी से नहीं हो पाएगा, यहां पे और ज्यादा बड़े बड़े ग्रुप है तो अटैक और नहीं हो पाएगा। न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करना है कार्बन पे, इसके प्रोटेक्शन में दो बड़े बड़े ग्रुप है, स्टीरिक हिंड्रेंस समझते ना, स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है कि अटैक पॉसिबल ही नहीं है, यहां पे बहुत छोटे छोटे ग्रुप है, बहुत आसानी से अटैक हो सकता है, बट जैसे जैसे वो बड़े ग्रुप लगते जा रहे हैं स्टीरिक हिंड्रेंस बढ़ रही है, न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना मुश्किल होता जा रहा है, तो वो चीज पॉसिबल
नहीं है। तो याद रखिए, जैसे जैसे स्टीरिक हिंड्रेंस बढ़ेगी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन जो है वो घट जाएगी। तो यहां से ऑर्डर क्लियर हुआ, सबसे फास्ट मिथेनल, फिर इथेनल, फिर समझ रहे हो ना, जितना बड़ा कीटोन होता जाएगा, जितने बड़े बड़े उसके अल्काइल ग्रुप लगते जाएंगे, उसकी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का ऑर्डर घट जाएगा। इसे नोट कीजिए स्पीडली आप लोग। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है कि आपके पास एक एलिफैटिक कार्बोनिल ग्रुप है और दूसरा एरोमेटिक कार्बोनिल ग्रुप है। आपका एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी है कि बेंजल्डिहाइड में से और प्रोपेनल में से कौन ज्यादा फास्टर शो करता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। फोकस कीजिए, मान लीजिए आपके पास ये है, मान के लेना है ये, या आपके पास एलिफैटिक ग्रुप है, ये सी डबल बॉन्ड ओ और ये एच, ठीक है, ये है बेंजल्डिहाइड और ये है सिंपल एल्डिहाइड। अब आपसे पूछ लिया जाए कि किसमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फास्टर होगी, तो आंसर रहेगा, ये मैंने गलत बना दिया, साइड एरोमेटिक लिखना था, ठीक है, और ये है एलिफेटिक, तो आंसर रहेगा कि ये ज्यादा अच्छे शो करेंगे। और सिंपल सा आंसर है ड्यू टू रेजोनेंस। आप क्या लिखोगे, बेंजल्डिहाइड इज लेस रिएक्टिव टुवार्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ड्यू टू रेजोनेंस। कौन से वाला रेजोनेंस होता है, यहां पे नेगेटिव रेजोनेंस होता है। क्या होता है नेगेटिव रेजोनेंस, जब इलेक्ट्रॉन, देखो दो तरह से होती है, एक होता है पॉजिटिव रेजोनेंस, एक होता है नेगेटिव रेजोनेंस। अभी तक हमने जितने भी पढ़े हैं सभी जगह पॉजिटिव रेजोनेंस ही पढ़ा है, कि जब इलेक्ट्रॉन बेंजीन की तरफ चलते हैं, रिंग की तरफ चलते हैं ना, तो होता है पॉजिटिव रेजोनेंस। बट इस केस में ना क्या होता है, फोकस करना मेरी बात पे, ये है बिल्कुल ध्यान से समझना मेरी बात कि सर यहां पे क्यों ऐसा हो रहा है कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन उतने अच्छे से पॉसिबल नहीं है। ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक्टिव है, इसने अपने इलेक्ट्रॉन को खींचा, जिससे कि इस पे तो नेगेटिव आएगा, इस पे क्या आने लगेगा पॉजिटिव, इस पे जैसे ही पॉजिटिव दिखा न्यूक्लियोफाइल आएगा, न्यूक्लियोफाइल तो यही चाहता है कोई मुझे पॉजिटिव दिखे, मेरे पास तो बहुत पैसे है, मेरे पास तो बहुत इलेक्ट्रॉन है, मैं उसको दू जो इलेक्ट्रॉन की कमी से जूझ रहा है। बट जैसे ही इस पे पॉजिटिव दिखा और न्यूक्लियोफाइल एंट्री मारने की सोचता है, बेंजीन धूम से इलेक्ट्रॉन भेज देता है। बेंजीन में खास प्रॉपर्टी होती है रेजोनेंस, क्या होता है रेजोनेंस, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, ये अपने पाई इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता रहता है। तो देखिए इस केस में क्या हुआ, ये हो गया ऐसे, फोकस कीजिए, ये कुछ ऐसे हो गया, डबल बॉन्ड कार्बन ऑक्सीजन पे आ गया नेगेटिव, ये हाइड्रोजन और यहां पे आ गया पॉजिटिव। समझ पा रहे हो ये हुआ कैसे, ऑक्सीजन ने ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी का फायदा उठाया, पाई इलेक्ट्रॉन साइड शिफ्ट हुआ, जिससे कार्बन में पॉजिटिव चार्ज आएगा, बट इस पॉजिटिव को खत्म कर रहा है कौन, बेंजीन, बेंजीन अपने पाई इलेक्ट्रॉन को इधर शिफ्ट मार रहा है, एकदम से शिफ्ट मार दिया, ठीक है, इसका पॉजिटिव तो खत्म हो गया, पॉजिटिव आ गया यहां पे, तो अभी इसको ये वाला बॉन्ड खत्म कर देगा, ये होता है ना, मैंने रेजोनेंस बहुत अच्छे समझाया आपको, पाई सिग्मा पॉजिटिव ये कंजुगेशन है, तो इसको खत्म करेगा, पाई बॉन्ड इधर आएगा, ये बाकी सब कुछ वैसे का वैसे ही रहता है, यहां पर पॉजिटिव आ गया, ठीक है। अब इस पॉजिटिव को कौन खत्म करेगा, इस पॉजिटिव को ये खत्म करेगा, ये अपने पाई इलेक्ट्रॉन को इधर भेजेगा, कुछ ऐसे, ये इधर, अभी पॉजिटिव आ गया इस साइड पे, समझ पा रहे ना कैसे आ रहे हैं, ये नहीं समझ पा रहे हो, मैं बताता हूं, ये पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड शिफ्ट हो गया इस पोजिशन पे, तो ये पाई बॉन्ड इन दो कार्बन के बीच में था, इस कार्बन के पास ये अभी भी है, देखो एक्चुअल लॉस तो इसको हुआ, तो इस पे पॉजिटिव है, अब आप यहां पे देखो तो ये पाई बॉन्ड इन दो पोजीशंस के बीच में है, जब ये इधर शिफ्ट हो गया तो इस कार्बन पे तो ये अभी भी है, एक्चुअल लॉस इस कार्बन को हुआ, ऐसी सेम बात यहां पे, तो फिर ये यहां पे आ जाएगा अभी, समझ रहे हो, पॉजिटिव, और जब ये यहां पे आएगा तो इन इलेक्ट्रॉन्स को यहां पे आना पड़ेगा वापिस, ऐसे कार्बन ये ओ ये हाइड्रोजन डबल बॉन्ड इस तरह से। तो भैया क्या हुआ, हुआ क्या है सारे का सारा फंडा, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में देखो कर सकते थे अटैक, 1% के लिए 0.001% के लिए पॉसिबिलिटी बनी थी कुछ, ऑक्सीजन ने अपनी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी का फायदा उठा के अपने पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, और न्यूक्लियोफाइल तो चाहते हैं इस कार्बन पे पॉजिटिव आए, बट जैसे ही वो अटैक करने के लिए तैयार हुआ एकदम से बेंजीन ने अपने इलेक्ट्रॉन इस पे भेजे, इसको दिखाया नहीं कि इलेक्ट्रॉन की कमी से जूझ रहा है,
न्यूक्लियोफाइल तो वहां अटैक करता है जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट्स होती हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन रिच हैं। और यहां पे अगर इसने छीन लिए तो इसको कोई नहीं है, ये थोड़ा सा है बट इतना नहीं है कि बिल्कुल सेटिस्फाई कर दे, दैट्स व्हाई यहां पे अटैक पॉसिबल है। तो अगर मैं आपको ऑर्डर बताऊं, फोकस करना मेरी बात पे, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, आपके पास है ये सी डबल बॉन्ड ओ, सबसे फास्ट ये शो करता है, इसके बाद सी एस थ्री सी डबल बॉन्ड ओ एच ये शो करता है, उसके बाद सी एस थ्री सी डबल बॉन्ड ओ सी एस थ्री ये शो करता है, ये किया था। अगर इनके बेंजीन्स के केस में करें हम लोग, तो बेंजीन्स के केस में क्या होगा, ऐसे करो, बेंजीन ये सी डबल बॉन्ड ओ एच, होप की दिखाई दे रहा है सबको सही से, फिर ये सी डबल बॉन्ड ओ, क्योंकि जैसे ही बेंजीन ग्रुप लगता है रिएक्टिविटी कम हो जाती है, ये यहां पे बात करें, और अगर दो बेंजीन ग्रुप लग जाए फिर तो भाई साहब बिल्कुल सत्यानाश ही हो गया, बहुत ही ज्यादा रिएक्टिविटी क्या हो चुकी है, कम हो चुकी है। तो इनमें सबसे फास्ट ये 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 ये, और एलिफैटिक में मैंने बता दिया कि ज्यादा रिएक्टिव एलिफैटिक होते हैं कार्बोनिल ग्रुप एज कंपेयर टू एरोमेटिक, रीजन भी क्लियर होगा ड्यू टू रेजोनेंस, और वहां पे क्या रीजन थे, स्टेरिक हिंड्रेंस रोल प्ले करती है, जितनी स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ती है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस की पॉसिबिलिटी कम होती है, जितना प्लस आई इफेक्ट बढ़ता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस की पॉसिबिलिटी वहां पे भी कम होती है, बस ये है सारे का सारा। जल्दी मिलते हैं, नोट कीजिए, इसे देखिए दो तीन बार, मुश्किल है मैं मानता हूं मुश्किल है, फिर मुश्किल है तो क्या करना है, प्रैक्टिस करके इसको सोल्व करना है, प्रैक्टिस करके इसको आसान बनाना है, जुट जाइए मेहनत।